आज का जो सेशन है अपना बड़ा बेसिक सा सेशन, अगेन बेसिक सा सेशन रखेंगे। अगर मैं बोलूं कि आज का सेशन में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये हमारा स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है। प्रॉपर नोट करेंगे आप, प्रॉपर नोट करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड। आज और डिस्कशन के लिए बड़ा बेसिक बेसिक बताऊंगा। जिन लोगों को पहले से पूरा आइडिया नेटवर्क थ्योरी का, वो लोग अपने बैठकर पढ़ाई करें, वो लोग अपना ये ना सोचें, ठीक है। बाकी लोग बहुत ध्यान से अपना नोट करें, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट वीएस आरएस, ये वीएस आरएस ड्रॉ किया, एक लोड लगा दिया सपोज करो, ये ए भी आपके पास, यहां पे एक टर्मिनल वोल्टेज है इसका और एक टर्मिनल करंट बना दिया, टर्मिनल जो ए भी था उसका टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट बना दिया। दिस वन, अब एक फिगर बना हुआ है, तो मैं से बोले कि ये फिगर क्या है, तो ये एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। एक वोल्टेज सोर्स होता है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है, इन जनरल स्मॉल वैल्यू। द प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, द प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिस वन, और एक टर्मिनल बना दिया, लोड टर्मिनल बना दिया, टर्मिनल ए भी बना दिया, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल करंट, दिस ये। अब डिस्कशन मोड जब हम करना चालू करते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हम फोकस करेंगे, कौन से पॉइंट्स पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि चलो एक सिंपल सा सर्किट है, तो केवीएल लगा देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करने वाला हूँ, तो क्या होगा, माइनस वीएस प्लस टर्मिनल करंट इंटू आर एस प्लस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, माइनस वी एस टर्मिनल करेंट इंटू आर एस प्लस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलूँ कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितना है, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वी एस माइनस टर्मिनल करेंट इंटू आर एस, दिस वन ये। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से, तो जो वाई है वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया, एक्स टर्मिनल करेंट हो गया, पता स्लोप की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू माइनस आर एस है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो वी एस है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस टर्मिनल करंट, तो सोचो अगर टर्मिनल करंट जीरो होगा तो कितना होगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा, टर्मिनल करंट ही जीरो तो वी एस आ जाएगा। फिगर बना देता हूँ, कलर यूज कर लेता हूँ जी, वी एस आ गया, दिस वन कैसे बना दिया जी, वी एस। अगर टर्मिनल करंट की वैल्यू जीरो, इफ टर्मिनल करंट इक्वल टू जीरो, तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू वी एस आ गया, ठीक है। बट इफ टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू जीरो, टर्मिनल वोल्टेज की जगह पे जीरो होगा, तो फिर क्या होगा पता है, टर्मिनल करंट की वैल्यू कितना आ रहा है, वी एस बाई आर एस आ रहा है, चेक करो वी एस बाई आर एस आ रहा है। तो ये पॉइंट था जहां पर टर्मिनल करंट जीरो है, ये पॉइंट है जहां पर टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, इसकी वैल्यू कितना बताए, वी एस बाई आर एस, दिस वन। इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस आर एस, नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग है, माइनस आर एस इसका स्लोप है। देखो इसका बिहेवियर क्या, हमको पता है लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर बिहेवियर, हमको पता है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन नहीं है, तो यूनिलैटरल बिहेवियर है, और हमको पता है कि एक वोल्टेज सोर्स है आपके पास, द सोर्स, आपको पता है कि बिहेवियर जो होगा आपके पास एक्टिव होगा, एक्टिव बिहेवियर, तो नॉन लीनियर यूनिलैटरल एक्टिव बिहेवियर, जैसे भी सोर्सेस सब एक्टिव होते हैं, सब बात आपको पता है इन जनरल। तो जस्ट आपको क्लियर है कि देखो आपके पास एक फिगर बना दिया, और पता है आपके पास ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, आपके पास एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक। मैं बोलूँ किसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक बना हुआ, यस ये। तो बहुत सिंपल वे में मैं चालू किया, ऐसे करके चालू करते कोई भी टॉपिक, एकदम सिंपल वे में मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, आर एस की वैल्यू स्मॉल होती है, आर एस की वैल्यू स्मॉल होती है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर मैं लिखूँ कि फॉर
आइडियल वोल्टेज सोर्स। जब आप बोलते हो कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, इसका मतलब आपके पास पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी पता है? Vs माइनस ITRS था। इफ RS इक्वल टू जीरो तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ये देखो Vs हो गया। इसका मतलब फिगर कैसे बना? अगर मैं ध्यान से देखो कि फिगर कैसे बन रहा है। ओके तो आपके पास तो ये Vs हो गया, Vs ये RS की वैल्यू जीरो, ये फिगर क्या है? फिगर इधर VI कैरेक्टरिस्टिक, इसका आइडियल आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में देखो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू Vs है, RS इक्वल टू जीरो, RS इक्वल टू जीरो, ध्यान से कांस्टेंट लाइन हो गया, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट, वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स की जब हम बात करते हैं देखो आपके पास कांस्टेंट है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि देखो RS की वैल्यू जीरो है तो स्लोप की जो वैल्यू होगी आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप विल बी जीरो, क्योंकि स्लोप माइनस RS था, अब स्लोप जीरो है बिकॉज RS इक्वल टू जीरो तो M इक्वल टू जीरो। तो मैं बोलूँ कि एक प्रैक्टिकल जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक आइडियल अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो देखो RS की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए आप बोलते हो कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स ही होता है आपके पास। आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, टर्मिनल करेंट ये लोड रेजिस्टेंस RL इज द टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करेंट दिस वन, ये द आइडियल वोल्टेज सोर्स बिकॉज RS इक्वल टू जीरो, RS की वैल्यू जीरो हो गई, ये RS की वैल्यू जीरो है, ये आपके पास हो गया एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, द आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल कब होता है आपके पास? जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, द आइडियल वोल्टेज सोर्स। अभी किसी भी टर्मिनल के साथ लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टर्मिनल के साथ लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, बोला दिस वन द आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हमको दिखा कि दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास, एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक आइडियल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। Vs तो इक्वल टू जीरो बिकॉज RS इक्वल टू जीरो, मतलब बेसिक है कैसे यूज करना है इतना सबको पता होता है, जितना मैं बताया लगभग सबको पता होता है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एक प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट जो सोर्स होता है वोल्टेज सोर्स, सबको पता रहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इज वेरी स्मॉल, और एक स्मॉल नंबर जब आइडियल में कन्वर्ट होगा तो स्मॉल नंबर को जीरो कर सकते हैं, तो सभी को पता होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है इनके हिसाब आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो पता सभी को इसको यूज कैसे करेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के बारे में मैं बात किया, इतना आपके पास हुआ। ठीक है ओके, ये फिगर बना दिए हम लोग, ये फिगर बना दिए हम लोग। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है अब अगर मैं बोलूँ कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की जगह इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स अगर हो जाए तो क्या? इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स पता है इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स में क्या होगा आपके पास? दिस वन IS, फिगर बनाना आप IS, और ये आ गया आपके पास RS, ये RS, ये हाई RS हाई है, दिस वन ये IS RS हाई, द प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स। अगर मैं बोलूँ कि किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, बाकी टर्मिनल में तो वैसे ही है, तो बताओ आपके पास IS करंट इनकमिंग होगा तो सोर्स करंट इनकमिंग होगा, यहाँ पे आपके पास कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय RS, द टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय RS, और एक टर्मिनल करंट आउटसाइड जा रहा है तो इज द टर्मिनल करंट। इस बार ना आप टर्मिनल करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, और टर्मिनल करंट की वैल्यू कितना पता है? सोर्स करंट माइनस टर्मिनल वोल्टेज बाय RS, उसी इक्वेशन को हटाते गया और चेंज कर देगा, y इक्वल टू mx प्लस c करो, y की वैल्यू करंट है, m की वैल्यू कितना है? m की वैल्यू माइनस वन बाई RS है इस बार, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितना है? IS, इंटरसेप्ट की वैल्यू IS है, दिस वन, ये फिगर हो गया। ये मैं बोलूँ अगर मेरे को फिगर बनाना है तो देखो टर्मिनल करंट का फिगर बनाना है वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज का फिगर बनाना है मेरे को, और टर्मिनल करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज का फिगर बनाना है तो पता आपके पास टर्मिनल वोल्टेज जब जीरो होगा तो ये IS होगा, जब टर्मिनल वोल्टेज आपके पास जीरो होगा ना, इफ टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू जीरो तो टर्मिनल करंट की वैल्यू कितना होगा? सोर्स करंट के बराबर, दैट मीन्स IS, और जब आपके पास टर्मिनल करंट की वैल्यू जीरो होगा, टर्मिनल करंट की वैल्यू जब जीरो होगा तो पता है टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा? टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू IS इंटू RS, IS इंटू RS, दिस वन। तो जब आप टर्मिनल वोल्टेज जब जीरो पुट कर रहे हो तो करंट की वैल्यू IS है, जब टर्मिनल करंट जीरो पुट कर रहे हो तो वोल्टेज की वैल्यू IS इंटू RS है, और इस बार y एक्सिस में करंट है इसलिए स्लोप की वैल्यू 1/r है, तो माइनस 1/r है स्लोप की वैल्यू,
The VI characteristics are practical independent current source. The practical independent current source. Non-linear, yes. Unilateral, yes. और active behavior तो होता ही है. तो मैं क्या किया, मैं बोला कि ठीक है उसी इक्वेशन को चेंज करते जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं. प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे आप, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, ये पूरा नोट करेंगे आप. अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आइडियल करेंट सोर्स और आइडियल करेंट सोर्स, तो पता आर एस की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि स्लो 1/RS है तो आर एस के लिए इन्फाइनाइट होगा. आर एस के लिए इन्फाइनाइट होगा तो टर्मिनल करेंट की वैल्यू कितना होगा पता है, टर्मिनल करेंट की वैल्यू सोर्स करेंट के बराबर. इसको टर्मिनल करेंट की वैल्यू ये देखो सोर्स करेंट के बराबर आ गया. स्लोप अलग बात है कि जीरो है, बट आर एस इस बार इन्फाइनाइट है क्योंकि स्लो 1/RS है. और ये टर्मिनल वोल्टेज चेंज कर दिया अपन, दिस वन ये आ गया. इसका मतलब एक आइडियल करेंट सोर्स में आपके पास देखो करेंट विल बी कॉन्स्टेंट. एक आइडियल करेंट सोर्स में करेंट कॉन्स्टेंट होगा, और करेंट कॉन्स्टेंट होगा आपके पास तो आर एस के लिए इन्फाइनाइट होती है. इसका मतलब है कि अगर मेरे को एक आइडियल करेंट सोर्स ड्रॉ करना है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स था, आइडियल करेंट सोर्स ड्रॉ करना है, तो ये आई एस है और ये टर्मिनल है इज द लोड. ये टर्मिनल लोड ए बी, ये टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल करेंट, ये लोड या आई एस. इस देखो ध्यान से, एक आपके पास आइडियल करेंट सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स दैट मीन द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट. ये आइडियल वोल्टेज सोर्स था, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी जीरो. आइडियल करेंट सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, वो आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी जीरो. तो दोनों को मैं बना दिया बोला, इस बड़े बहुत ही नॉर्मल बात है जितना मैं डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है ओके. देख लीजिए यहाँ से, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, आइडियल मतलब पता है आर एस जीरो होता है. एक इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, आपको ये पता होता है कि एक आइडियल करेंट सोर्स का, जब अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, एक आइडियल करेंट सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. ये बनाना है आपको, ये आपके पास एक आइडियल करेंट सोर्स का प्रॉपर्टी लिखा है कि आर एस इक्वल टू इनफाइनाइट, टर्मिनल करेंट विल बी द कॉन्स्टेंट करेंट इज आई एस. ये हमारे पास है दिस वन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल करेंट सोर्स, तो करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी. तो बोलेगा सर आर एस इन्फाइनाइट है तो स्लोप क्यों जीरो हुआ, भाई हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप जीरो होता है, स्लोप 1/RS था, आर एस इन्फाइनाइट होगा तभी स्लोप जीरो होगा, आर एस इन्फाइनाइट होगा तो. देख लो ध्यान से, तो बड़ा बेसिक से मैं स्टार्ट किया. ध्यान से अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया मैं, वो चेक कर लो आप. तो ये आपके पास आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, ये सब आपके पास कितना हमको दिख रहा है. ठीक है ओके ठीक, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. ओके अब अगर इसको मैं बात करूं, इसको यूज करने की अगर मैं बात करूं, पहले मैं डिपेंडेंट सोर्स बता देता हूं, फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी बात भी करेंगे. तो डिपेंडेंट सोर्स भी बता देता हूं मैं, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स भी बता देता हूं. तो ओवरऑल ये बेसिक जो चीज़ें अपन उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं, जो भी बेसिक चीज़ें उसको हम कलेक्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, अब अगर सपोज करो ये जो मैं फिगर बनाया हूँ, अब देखते हैं अपन क्या कि ये नोट कर लिए आप लोग, ये नोट कर लिए, इसको हटा रहा हूं. देखो ध्यान से, अब आपको एक एक पॉइंट्स पे आपको आइडिया लगेगा. जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर मैं आपको फिगर बना दूं वी आई कैरेक्टर से, कैसे बेसिक फिगर बना दूं, कैसे ये वी आई, ये आई फिगर है, ये वी आई, ये वी, ये आई फिगर बी,
आई वी फिगर सी, ऐसे रैंडमली आपके पास कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आई ये वी और ये फिगर डी। अगर मैं बोल दूँ कि देखो ये फिगर में देखो आपके पास है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस फिगर में एक वर्टिकल लाइन, इस फिगर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इस फिगर में एक वर्टिकल लाइन, ये फोर फिगर बना दिया हम। कौन सा वोल्टेज सोर्स का फिगर है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का कौन सा फिगर, कौन सा फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स को? एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को कौन सा फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है? देखो ध्यान से, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स को कौन सा फिगर सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का कौन सा फिगर है? आइडियल वोल्टेज सोर्स का फिगर बताना है सभी लोगों को। पता आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में तो वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। देखो वोल्टेज कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज दैट मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये था आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये यहां पे आपके पास क्या कांस्टेंट करंट, फिगर बी जो है वो कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, इधर आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये क्या है कांस्टेंट करंट है। देखो करंट कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट, तो ये आइडियल करंट सोर्स है। पता है यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है? वोल्टेज कांस्टेंट। देखो ना वोल्टेज अगर 2 वोल्ट होगा तो हमेशा 2 वोल्ट है, इज अ कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसमें वाई एक्सिस वाला कांस्टेंट होता है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें एक्स एक्सिस वाला कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वोल्टेज। इसका मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स है। इसलिए बताया क्यों आपको ये ना लगे कि कांस्टेंट लाइन जो होता है आपके पास वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, आपके पास वर्टिकल लाइन भी आइडियल वोल्टेज सोर्स हो सकता है। आई और वी चेंज कर दिया, इसका मतलब अगर वोल्टेज विल बी कांस्टेंट चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। इफ करंट इज कांस्टेंट आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इफ करंट इज कांस्टेंट दैट मींस आइडियल करंट सोर्स, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट दैट मींस आइडियल वोल्टेज सोर्स। से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइन हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, डिपेंड्स कि क्या कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपके पास अगर मैं करंट बोल रहा हूं दैट मींस द आइडियल करंट सोर्स, अगर मैं कांस्टेंट वोल्टेज बोल रहा हूं दैट मींस द आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा वही सोर्स होगा, जो पैरामीटर उसको ध्यान चालू कर देना, वहां से लेके यहां तक, वहां से लेके यहां तक। तो जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा वही वही आपके पास सोर्स होगा। तो ए और डी जो था आपके पास वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स था, अभी तो बात कर रहे थे हम, ये भी आइडियल वोल्टेज सोर्स, वो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स कौन सा है? फिगर सी और फिगर बी। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो ध्यान से देखना, अगेन फोर फिगर ड्रॉ कर दिया, फिगर ए बाजू में इस बार फिगर बी बना दिया, फिगर सी बना दिया और फिगर डी बना दिया, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे वोल्टेज वी ऑफ टी है, करंट आई ऑफ टी, यहाँ पे वोल्टेज वी ऑफ टी है, करंट आई ऑफ टी, यहाँ पे करंट आई ऑफ टी, वोल्टेज वी ऑफ टी, यहाँ पे करंट आई ऑफ टी, वोल्टेज वी ऑफ टी। ये अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा ना, प्रैक्टिकल अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल, अगर आपके पास वी टी की वैल्यू वी एस थी और करंट की वैल्यू जो था आपके पास वो वी एस बाई आर एस था, ये जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट, इसमें ये अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास अगर ये यहाँ पर ऐसा आपके पास है, दिख रहा होगा आपको, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूँ देखो फिगर, पता है अगर मैं बोल दूं कि देखो ये आई एस है, यहाँ देखना है आई एस है और ये है आई एस इंटू आर एस, मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपके पास ये आई एस है करेंट और तब वोल्टेज की वैल्यू वी एस इंटू वी एस बाई आर एस है, ये आई एस है और वी टी की वैल्यू आई एस इंटू आर एस है,
फोकस करना है इस पर, ये अगर मैं बोल दूँ कि ऐसा है यहाँ पर, ये वी एस बाई आर एस या आई एस आर एस आई एस, और ये मैं बोल दूँ कि ये वी एस है, वी एस ये करेंट जो है इस जगह पे वी एस बाई आर एस, देखना ध्यान से मैं क्या बोलूँ। फोर फिगर फिर से बनाया मैं, द फिगर ए, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, ये फिगर सी है, और ये फिगर डी है। तो फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी, फोर फिगर्स बने हुए, ध्यान देखना फोर फिगर्स, ये फोर फिगर्स बने हुए, देखो ध्यान से। अब क्या आपके पास पता है इस वाली जगह पे क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज की वाली वीएस है और करंट की वाली वीएस बाय आरएस है, ये आपके पास है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अगर आपके पास इस जगह पे अगर करंट की वाली कांस्टेंट इज आईएस सोर्स करंट, अगर करंट इन टर्म्स ऑफ सोर्स करंट है और फिर वोल्टेज आईएस इनटू आरएस है, तो पता है आपके पास प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। पता है, चेक कर लो अपनी कॉपी में भी हम पढ़े। अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं, मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास सोर्स करंट की जो वैल्यू आपके पास वो टर्मिनल करंट के बराबर है और ये आईएस इनटू आरएस है, इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो दोनों में से क्या है, तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू वीएस है और करंट की वैल्यू वीएस बाय आरएस है, तो इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इस तो दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ये मैं चार बनाया, बता जब पढ़ा रहा था तो दो ही बनाया, लेकिन फिर मैं टर्मिनल चेंज कर दिया। अभी अपन क्या किया था, जब अपनी कॉपी में अगर देखोगे तो आपके पास फिगर ए मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं वाई एक्सिस में टर्मिनल वोल्टेज लिया था। फिर आपको फिगर बी मिल जाएगा, क्योंकि मैं वाई एक्सिस में टर्मिनल करंट लिया था। ये दोनों फिगर आपकी कॉपी में है, फिगर ए और फिगर बी। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का फिगर था, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का फिगर है। अब भी किया हम लोग, ये दो फिगर नहीं है क्योंकि मैं टर्मिनल चेंज कर दिया। मैं क्या किया बताओ, आपके पास इस फिगर को मैं यहाँ ले गया और टर्मिनल चेंज कर दिया। जब इस फिगर का टर्मिनल चेंज करूंगा तो टर्मिनल करंट आईएस की वैल्यू के साथ यहाँ जाएगा और टर्मिनल वोल्टेज आईएस आरएस के साथ यहाँ चल जाएगा। मैं इस फिगर को चेंज कर दिया और ये फिगर बना दिया। मैं बस क्या किया, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बनाया और एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बनाया, इससे देखो वीएस बाय आरएस है। मतलब ये दोनों फिगर एक ही है, सिर्फ टर्मिनल चेंज, सिर्फ एक्सिस इंटरचेंज है, और ये दोनों फिगर एक ही है अगर एक्सिस इंटरचेंज है। हमारे पास दो फिगर थे, ये और ये वाला, जब भी हम पढ़े देखो ध्यान से। तो जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। ये आइडियल है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास आइडियल है, चेक कर लो आप। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बार अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिगर ए ही का फिगर डी दोनों सेम है, फिगर ए का ही मॉडिफाइड वर्जन फिगर डी है, मैं बस क्या किया मालूम है एक्सिस इंटरचेंज कर दिया, और फिगर बी का ही मॉडिफाइड फॉर्म फिगर सी है, मैं एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे किया था, ध्यान देखोगे ना तो ये फिगर और ये फिगर एक ही है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है वर्टिकल दिख रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं वी और आई को इंटरचेंज कर दिया। तो देखो फिगर ये दोनों सेम है, तो फिगर ए और फिगर डी एक्जैक्टली सेम है, फिगर बी और फिगर सी एक्जैक्टली सेम है। कई बार हमको लगता है कि ये कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल है कॉन्स्टेंट वर्टिकल, जबकि दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी और आई इंटरचेंज है, ये कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल कॉन्स्टेंट वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या है, टर्मिनल चेंज करने से। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो डिस्कशन मोड में क्या करते हैं अपन, मालूम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ, फिर मैं इस टॉप इस पे आऊंगा, इसको कैसे यूज करते हैं उसकी बात भी करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को बता दिया, चलो पहले मैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज बताता हूँ, फिर एक साथ क्वेश्चन में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज, चलो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, अरे अपन डिस्कशन करें। तो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस में पता आपके पास, डायमंड शेप से मैं यूज किया, सपोज करो द वोल्टेज सोर्स है ये फिगर ए, द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, अगर मैं वी टू को के वी वन लिख दिया, सपोज अगर मैं करेंट को करेंट के फॉर्म में लिख दिया, आई टू इक्वल टू के आई वन लिख दिया, सपोज आपके पास एक करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स, करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स, यस वोल्टेज सोर्स है आपके पास वी, और डिपेंड कर रहा है किसी करेंट पे, तो ये करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। इसके अंदर पहला टर्म्स होता है कंट्रोलिंग वेरिएबल और सेकंड होता है सोर्स। अगर सोर्स करेंट बनाना चाहता हूँ तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, और वी की वैल्यू अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि के आई है, नहीं तो के आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू अगर मेरे पास आई इक्वल टू के वी,
पता है इस फिगर में, अगर फिगर डी बोल रहा हूँ, इधर फिगर डी, इधर वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स, इधर फिगर डी, फोर फिगर बनाया आपको ये बताया कि जब भी मैं टर्मोलॉजी लिखता हूँ तो पहला टर्म जो होता है वोल्ट, कौन कंट्रोल कर रहा है वो होता है द वोल्टेज कंट्रोल, और V2 क्या होता है आपके पास इस सोर्स द वोल्टेज कंट्रोल, बिकॉज दिस सोर्स इज कंट्रोल बाय V1, दिस सोर्स इज कंट्रोल बाय द V1, सोर्स इज द V2, वोल्टेज सोर्स। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कंट्रोलिंग वेरिएबल, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट द वोल्टेज सोर्स। देखो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द I1, दिस I2 इज कंट्रोल बाय द I1, और I2 इज द सोर्स करंट सोर्स, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। फर्स्ट टर्म इज द कंट्रोलिंग वेरिएबल, सेकंड टर्म इज द सोर्स। ये देखो कंट्रोलिंग वेरिएबल कितना है, करंट है, और सोर्स कौन सा, वोल्टेज है, तो करंट कंट्रोल होगा, ये करंट कंट्रोल कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स को। तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कंट्रोलिंग वेरिएबल, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द कंट्रोलिंग वेरिएबल द वोल्टेज सोर्स, बट सोर्स इज करंट, कंट्रोलिंग वेरिएबल इज द वोल्टेज कंट्रोल और सोर्स इज करंट। तो देयर आर फोर पॉसिबिलिटी फॉर द डिपेंडेंट सोर्सेस। तो कोई भी वोल्टेज किसी भी वोल्टेज या करंट डिपेंड कर सकता, कोई भी करंट किसी भी वोल्टेज या करंट डिपेंड कर सकता, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। सब डायमेंड शेप से बना दिया, सब डायमेंड शेप से बना दिया, पता आपके पास। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि कभी मैं एक अगर हाइब्रिड मॉडल बना रहा हूं, जैसे हाइब्रिड मॉडल, तो हाइब्रिड मॉडल बना दिया। हाइब्रिड मॉडल एक एच पैरामीटर मॉडल होता है, एच पैरामीटर मॉडल डिपेंडेंट आपके पास मॉडल होता है, दिस वन एच पैरामीटर मॉडल। जब मैं टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ाता हूं तो बात करता ही हूं, मैं टू पोर्ट नेटवर्क में बात करूंगा ही, वी टू, आई टू, एस टू टू, एस टू वन, आई वन, क्या बता रहा है ये देखना ध्यान से। H11 ये V1 है, ये I1 और H12, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे है, H पैरामीटर का मॉडल है। ध्यान से देखो आपके पास डायमंड से भी इसका आउट वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स प्लस इसमें मैं इनपुट करंट कंट्रोल कर रहा हूं, और करंट भी आपके पास है, तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स है, हाइब्रिड मॉडल डिपेंडेंट सोर्स होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स का एग्जांपल होता है, डायमंड से बना। बट मिलमैन हेलकास की पूरे बुक में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मिलमैन हेलकास की पूरी बुक में, तो पता है डायमंड शेप की जगह ऐसे सर्कल शेप से बना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है डिपेंडेंट सोर्स को कैसे आप बनाओगे। ये देखो बहुत सारे बुक वाले लोग अब डिपेंडेंट सोर्स कैसे बना देते, देखो फिगर बहुत फिगर था सेम। तो अगर आप मिलमैन हेलकास की बुक देखोगे तो आपको हाइब्रिड मॉडल में कभी डायमंड शेप मिलेगा ही नहीं। एच वन टू वी टू दिस द एस टू वन आई वन सॉरी द करेंट सोर्स एस टू टू क्या डिफरेंस, बोथ आर सेम, ये सर्कल शेप से बना हुआ है, बोथ फिगर्स आर सेम। तो मिलमैन हेलकास की फिगर में ऐसे बने हुए, कोई भी डायमंड शेप यूज नहीं किया गया। वेलकम बक की बुक अगर नेटवर्क की देखोगे तो एक भी फिगर ऐसा नहीं है जो कि डिपेंडेंट सोर्स और वो सर्कल शेप से बना हो। वेलकम बक की नेटवर्क की जो थ्योरी की बुक देखते हो उसमें पूरे फिगर डिपेंडेंट सोर्स के डायमंड शेप से बने हुए। मिलमैन हेलकास में आप एनालॉग सर्किट या एडीसी पढ़ते हो तो पूरे डिपेंडेंट सोर्स सर्कल शेप से बने, बहुत सारा करेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी गेट में डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए 95-98% तक लोग डिपेंडेंट सोर्स के लिए डायमंड से भी यूज करते हैं। बट बाकी एग्जाम में अगर मैं गेट के एग्जाम को छोड़ दूं, इसरो की बात करूं, डीआरडीओ की बात करूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं, तो फिर बहुत बार 50-50% दिखता है, कभी डिपेंडेंट सोर्स के लिए डायमंड से, कभी डिपेंडेंट सोर्स के लिए सर्कल से, इट्स ओके, वैल्यू देख के पता चलता है। कभी कभी क्या होता है जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में ईएससी में कभी कभी आपके पास बहुत अच्छे से आपको केयर करना पड़ता है कि ये ऐसे सर्कल से बना हुआ है, और पता है एक टर्म वी लिखा हुआ है ऐसे, और वी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे बना हुआ है। अब आपको दिख ही नहीं रहा कि वी ऐसे इटैलिक बना था, ऐसे वी इटैलिक बना था और वी कहीं ना कहीं था। अब लोग सोच रहे कि तो 10 वोल्ट है, लोग क्या सोच रहे हैं तो 10 वोल्ट है, वो ध्यान से देख भी नहीं पा रहे और पता चला गलत हो गया, बिकॉज ये जो वी बना था इटैलिक, ये फिगर में वी और कहीं पर भी था, तो जो किसी दूसरी जगह पे वी होगा तो उस पर डिपेंडेंट हुआ ना। या सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, कोई बोल रहा है इसका वोल्टेज ये वी है, दिस द वी, ये आर टू है और ये आर वन है, तो वी क्या हुआ, ये इस वाला वी हुआ, इसका मतलब कंट्रोलिंग वेरिएबल है। तो पता है आपके पास वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है गेट में, ऐसा बहुत कम होता है कि गेट में कोई डायमंड से यूज ना करे, बट फिर भी इंडिपेंडेंट सोर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी 10 भी लिखा है, अब आपको लग रहा है तो 10 वोल्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, बड़ा अटेंटिव होना पड़ता है। कोई बोलेगा सर मेरे को कैसे पता चलेगा वो वी वोल्ट है कि वी है, अरे भाई स्मार्ट होना पड़ता है इंसान को, टेक्निकली स्मार्ट होना पड़ता है। समझे ना, एक बच्चा जब सीखता है ना चलना, तो शुरू में हमको लगता है कि वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। स्मार्ट बनते जाता है डे बाय डे, उसको पता रहता है, उसको बताना नहीं पड़ता, एक बात समय के साथ वो सीख जाता है। तो 10 भी यही है, वी इज द कंट्रोलिंग वेरिएबल, ऐसा वी इटैलिक बना होगा, ऐसा वी, और फिगर में वी बना होगा, ऐसा नहीं कि वी बना होगा फिगर में वी नहीं दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, और ऐसा ना 100 में एक क्वेश्चन में होगा और बाकी कभी नहीं होगा ऐसा,
फॉर्म एक क्वेश्चन में होगा, वो भी इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह एग्जाम में सारी चीजें हो जाती है, तो कभी कभी आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। द 10V इज नॉट 10 वोल्ट, बना दिया ये VA, ये VA हम बना सकता था, द कंट्रोलिंग वेरिएबल। बट ऐसा 100 में एक बार होता है बोला, और 10 वोल्ट के साथ ही हो सकता है। अगर 10I लिखा रहता है तो 10I मतलब 10 एम्पीयर थोड़ी हो जाएगा, 10I होता है कंट्रोलिंग वेरिएबल है। तो जस्ट डिपेंडेंट सोर्स आपके पास अगर डायमंड सबसे बने तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिपेंडेंट सोर्स अगर आपके पास सर्कल सबसे बने तो बड़े ध्यान से देखना भी है, कभी ऐसा ना हो जाए कि 20V आप सोचे 20 वोल्ट और वो 20V था, और V यानी कंट्रोलिंग वेरिएबल। जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखो आप, तो मैं बोला कि देखो डिपेंडेंट सोर्स आपके पास टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स है, 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। ये वाली मिस्टेक ना हो, ये थोड़ा सा स्मार्ट आपको थोड़ा रहना पड़ेगा, फिगर को देखने के बाद स्मार्ट रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 4 टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करेंट सोर्स, 2 टाइप के सोर्स होते हैं, कंट्रोलिंग वेरिएबल भी 2 यूज होता है, तो करेंट या तो वोल्टेज। टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, वो बना दिया, 4 पॉसिबिलिटीज बना दिया। डिपेंडेंट सोर्स भी प्रैक्टिकल और आइडियल हो सकते हैं, अगर डिपेंडेंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस है, डिपेंडेंट सोर्स के अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज में, इसको उठाओ, अगर उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है तो प्रैक्टिकल जो डिपेंडेंट होगा आपके पास डिपेंडेंट सोर्स हो जाएगा। और अगर आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स के एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एक आइडियल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। द टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में बड़ा बेसिक सा बताया ना, तो वैरायटी आप लोग वैरायटी ऑफ टाइप से यूज करते हैं, बोला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैरायटी ऑफ लोग वैरायटी ऑफ अप्रोच के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमको पता चल गया कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्सेस है इंडिपेंडेंट है, आइडियल है, प्रैक्टिकल है, डिपेंडेंट सोर्सेस है। डिपेंडेंट सोर्सेस में बहुत ही कम लोग प्रैक्टिकल या आइडियल की बात करते, तो मैं बोल रहा हूँ कि सेम स्टाइल, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किसी वोल्टेज सोर्स का एग्जिस्ट कर रहा है तो वो प्रैक्टिकल सोर्स होगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, और अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो आइडियल होगा, चाहे वो फिर इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले, थॉट प्रोसेस के बारे में बात करने वाले, देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन आया था तो अब हम देखेंगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते। एक आईएन ब्रांच का क्वेश्चन था, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, गेट 2015 का क्वेश्चन है, गेट 2015 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द लीनियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक, द लीनियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू टर्मिनल, द लीनियर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू टर्मिनल नॉन आइडियल एसी सोर्सेस, नॉन आइडियल एसी सोर्सेस एक्स एंड वाई आर सोन इन द फिगर, आर सोन इन द फिगर। ठीक है, इफ द सोर्सेस आर कनेक्टेड टू ए 1 ohm रजिस्टर S ohm, the current through the resistor
in amperes, in amperes is, in amperes is, ये क्वेश्चन था आपके पास और फिगर बना हुआ था, ध्यान से आप देख लीजिएगा। आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक था, आई था आपके पास और ये वी था, आई एम्पियर में था, वी वोल्ट्स में था और ये फिगर बना हुआ था आपके पास कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 6 ऐसे पॉइंट्स बने हुए थे, 1, 2, 3 जैसे एग्जैक्टली एग्जाम में था वैसे बना देता हूँ। उसके बाद उसके बाद एक सोर्स एक्स लिखा था, प्लस माइनस सोर्स एक्स, सोर्स एक्स फिर प्लस माइनस ये माइनस प्लस सोर्स वाई, फिर एक वन ओम का रजिस्टर था, एक वन ओम का रजिस्टर था, ये सोर्स एक्स था, सोर्स वाई था, वन ओम का रजिस्टर था। और इस फिगर में मैं बाकी चीजें और बना देता हूँ, 2 से लेके 4 तक सोर्स एक्स, जो सोर्स एक्स था वो 2 से 4 था और एक 3 से 3 था, तो सोर्स एक्स क्या था, 2 से 4 था। सोर्स एक्स और सोर्स वाई क्या था, 3 to 3 था, ये सोर्स वाई ग्रीन कलर वाला सोर्स वाई और रेड वाला सोर्स एक्स, रेड वाला सोर्स एक्स बना दिया। ये जैसे आपके पास फिगर बनाएंगे ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये 2015 का क्वेश्चन था, 2015 का क्वेश्चन था और इसको मेरे को सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में क्या आपके पास, अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जो सोर्सेज पे बेस्ड है, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया जो सोर्सेज पे बेसिकली बेस्ड हो, जो किसी सोर्स पे बेसिकली बेस्ड हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो अब क्या होता है आपके पास कि मैं बेसिक बेसिक बात करता हूं, कैसे अगर मैं बोलूं कि देखो सोर्स एक्स और सोर्स वाई, अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं सॉल्व करता हूं, क्लिक करता हूं सॉल्व, सोर्स एक्स और सोर्स वाई, ठीक है, सोर्स एक्स और सोर्स वाई है, सोर्स एक्स आपके पास ये है और दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स है, सोर्स एक्स भी वोल्टेज सोर्स है, सोर्स वाई भी वोल्टेज सोर्स है, तो सोर्स एक्स, सोर्स एक्स और सोर्स वाई बोथ आर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्यों प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, स्लोप दिख रहा है। अब आपके पास अगर एक वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, अगर ये वोल्टेज है और ये करंट है, ऐसा होता है आपके पास, ये Vs होता है और ये Vs बाई Rs होता है, और अगर मैं एक्सिस को चेंज कर दूं, अगर मैं आई को वी कर दूं और वी को आई कर दूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर इंटरचेंज जाएंगे, ये होगा Vs बाई Rs और ये होगा Vs, एक ही बात है, बहुत सेम। अगर मैं सोर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो 2 से 4 है, सोर्स एक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास वाई एक्सिस में क्या है, करंट है, एक्स एक्सिस में वोल्टेज है और ये सोर्स एक्स है और ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 4 है और ये सोर्स एक्स है, मैं बात कर रहा हूं किसी को, अगर ये बात पता है तो वी एस बाई आर एस 2 और वी एस की वैल्यू 4 वोल्ट है, वी एस इज इक्वल टू द 4 वोल्ट, कैसे, ये देखो वी एस इज 4 वोल्ट, वी एस बाई आर एस Vs by Rs equal to कितना है, तो Vs by Rs is equal to 2 है, Rs की वैल्यू Vs by 2 हो गया, 4 by 2, 2 ओम हो गया, तो बता आपको Vs 4 वोल्ट पता चल गया और Rs 2 ओम पता चल गया, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सर वो 3 से 3 है, 3 एम्पियर टू 3 वोल्ट है, पर ये V है, ये I है, इधर सोर्स वाई, सर ये सोर्स वाई है, तो मैं बोलूंगा कि देखो Vs की वैल्यू 3 वोल्ट है, Vs इक्वल टू 3 वोल्ट, देखो Vs इक्वल टू 3 वोल्ट, Vs बाई आर एस कितना है, सर वो भी 3 है, तो फिर आर एस कितना हुआ, 3/3 1 ओम, 1 ओम है, 3 वोल्ट है, आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स एक्स एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सोर्स एक्स है, तो देखो ये आर एस है, ये उसका वी एस है, ये सोर्स एक्स के बारे में है, ये आर एस है, ये इसका वी वाई है,
ये वी एक्स वी वाई, ये देखो आपके पास ये वी एस आर एस, ये वी एस आर एस और ये वन ओम का रजिस्टर था, ये वन ओम का रजिस्टर था। मेरे को इसके थ्रू करंट फाइंड आउट करना था कि करंट कितना हो रहा है। मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास सोर्स वाई है, ये सोर्स वाई, इसमें आर एस की वैल्यू कितना है वन ओम, इसमें वी एस की वैल्यू कितना है थ्री वोल्ट। ये क्या आपके पास, ये सोर्स एक्स है, सोर्स एक्स, इस सोर्स एक्स में, इस सोर्स एक्स में वी एस की वैल्यू कितना है फोर वोल्ट, इसमें आर एस की वैल्यू कितना है टू ओम। इधर सोर्स एक्स, ये सोर्स वाई, हो गया। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास फिगर कैसे बन रहा है, ये टू ओम, ये फोर वोल्ट, यार ये फोर वोल्ट, ये टू ओम, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कितना वोल्टेज, कितना थ्री वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना वन ओम, माइनस टू प्लस, हम डिसाइड नहीं किया क्वेश्चन में बना हुआ था द वन ओम, इसमें से करंट फाइंड आउट करना था। आई केवीएल लगा दो, माइनस फोर प्लस टू आई, फिर वन इंटू आई, माइनस थ्री प्लस वन इंटू आई इज इक्वल टू जीरो, सेवन इक्वल टू कितना हुआ टू थ्री फोर, फोर आई, आई की वैल्यू सेवन बाई फोर, सेवन बाई फोर मतलब वन थ्री जीरो, वन पॉइंट थ्री जीरो, 1.75 एम्पियर, 7/4 आ रहा है जिसका रिजल्ट। तो कैसे हम किए, हम बोले कि हमको बड़ा गुड आइडिया है एक वोल्टेज सोर्स के रिप्रेजेंटेशन का, हम उठाए टर्मिनल को, कैसे कैसे बना था कैरेक्टरिस्टिक, उठा दे गए, पुट कर दिए, केवीएल लगाए और आई की वैल्यू निकल गई। बड़े ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, चलो। तो 7/4 1.75 एम्पियर, नॉट 25 एम्पियर, तो 7/4 एम्पियर आ रहे हैं। देखो ध्यान से, अब क्या आपके पास कि देखो अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में जिसको आइडिया, तो मैं पहले उन लोगों की बात किया कि देखो एक कैरेक्टरिस्टिक का अगर उनको आइडिया है तो वो ऐसे कंपेयर कर सकते, बट मैं मानता हूं कि चलो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया हो, तो उनको तो आइडिया नहीं होगा, तो वैसे वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि उनको पता हो कि देखो वाई एक्सिस में करंट होता है तो किससे कंपेयर करते हैं, एक्स एक्सिस में वोल्टेज होता है और वो सोर्स भी वोल्टेज सोर्स है, तो जिनको पता होगा ये उनकी बात थी। तो पहले मैं उन पर फोकस किया जिनको कैरेक्टरिस्टिक का बड़ा गुड आइडिया, जिनको कैरेक्टरिस्टिक का बड़ा गुड आइडिया उन पर फोकस किया, मैं उन पर फोकस किया और इन जनरल बताते गया जिन लोगों को कैरेक्टरिस्टिक का बड़ा गुड आइडिया। ओके चलो, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब क्या है कि सपोज करो वो स्टूडेंट्स जिनको कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया नहीं होता तो फिर वो कैसे करते हैं, जिसको कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया नहीं होता वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो 7/4 एम्पियर आ गया, वहां से हटा देता हूं, यहां तक हटा देता हूं, या फिर हाँ यहां तक हटा देता हूं, दिस वन, यहां से लेके यहां तक हटा दो इस फिगर के पहले, तो यहां से हटाना चालू कर, यहां से उधर तक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं तरीका चेंज करता हूं, मैं बोलता हूं कि देखो ये कंपेरिजन हुआ बोला, अब मेरे को पता है कि देखो वोल्टेज सोर्सेस आपके पास ये दिया हुआ है और सबका स्लोप है, सबका स्लोप है, तो अगर मैं बोलूं कि सोर्स एक्स का स्लोप कितना है, सोर्स एक्स का स्लोप कितना है, ये स्लोप, और स्लोप अगर मैं लिख रहा हूं तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेते हैं, चलो चेंज की बात करता हूं, ये चेंज की बात करता हूं, और पता करंट बाई वोल्टेज है तो डी आई अपॉन डी वी लिख दिया, इधर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी लिख दिया, और करंट बाई वोल्टेज है तो 1/R लिख देता हूँ, 1/RS चेंज लिख देता हूँ। तो पता है टू और जीरो के बीच में चेंजेस आपके पास टू है, और वोल्टेज का जो चेंजेस है आपके पास जीरो से फोर है तो 2/4 है, तो 1/RS हुआ, तो पता आर एस की वैल्यू 4/2 हुआ, दैट मीन दैट 2 ओम, ये देखो 2 ओम हुआ। सोर्स एक्स के बारे में मैं बोला कि सोर्स एक्स में देखो ना यार, चेंज इन हेड वाला जो है, चेंज इन वाई एक्सिस 2 है, चेंज इन एक्स एक्सिस 4 है, बट ये करंट बाय वोल्टेज 1/ रेजिस्टेंस होता है, कर लिया था। और इस वाले में अगर मैं बोलूं कि करंट है और आपको तो वोल्टेज सोर्स चाहिए, तो सोर्स एक्स में से ये जो वोल्टेज है ये जो वैल्यू इसको उठा लो, ताकि जो 4 दिख रहा था उसको उठा लिया कि वी एस इक्वल टू 4 वोल्ट, दिस वन, ये वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट है। क्यों वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट, जब आप करंट की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी 4 आएगा, तो करंट इक्वल टू अगर 0 है तो ये आपके पास 4 आ गया, अच्छी बात है, देखो 4 आ गया, दिस वन। अगर मैं बोल रहा हूं कि सोर्स वाई क्या है, तो सोर्स वाई में स्लोप कितना है, सोर्स वाई का जो स्लोप है दैट मीन दैट डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी
दैट मीन चेंज इन करेंट कितना 3, चेंज इन वोल्टेज कितना 3, तो ये आ गया 1/R। बताओ आपके पास RS की वैल्यू कितना हो गया 1 ओम, ये RS की वैल्यू 1 ओम हो गया। तो सोर्स Y का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, और सोर्स Y का जो करंट जब 0 पुट करोगे तो वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट लगाओ, 1 ओम का रजिस्टर यूज करो, 4 वोल्ट लगाओ और 2 ओम का रजिस्टेंस यूज करो, सिंपल। और सिंपल के भी लगा दो, वही जब भी किए थे हो गया सिंपल। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक से आप फाइंड आउट कर सकते हो, बोला किसी कैरेक्टरिस्टिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सोचो ये आई और वी इंटरचेंज होता, और अगर इफ कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता, ये वी होता और ये आई होता, ये वी होता और 2 से 4 जा रहा था, 2 से 4 जा रहा है, एक 3 से 3 जा रहा है, ये देखो आपके पास ये वी होता, एक 2 से 4 जा रहा है, यस, एक 3 से 3 जा रहा है। अब आपके पास क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई, देखो देखना ध्यान देखना, चेंज कर दिया हमने। तो अब आपको अगेन वोल्टेज सोर्स चाहिए, अगर मैं बोलूं कि सोर्स वाई में आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से अगर आप देखोगे कि देखो आपके पास क्या है, ये आप कंपेयर भी कर सकते हो, अगर ऐसा चेंज होता तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। कैसे, अगर मैं वी आई से कंपेयर कर रहा हूं, वो भी प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक से, तो पता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये वी एस होता है और करंट की वैल्यू वी एस बाई आर एस होता, हो गया आंसर। तो सोर्स जो वाई है, सोर्स जो वाई है उसमें वी एस की वैल्यू कितना है, तो आप बोलते सर वी एस की वैल्यू 3 वोल्ट, वी एस बाई आर एस की वैल्यू कितना है, तो 3 एम्पियर, वी एस बाई आर एस की वैल्यू 3, ये तो आर एस की वैल्यू कितना हो गया 3/3, तो 1 ओम ये आ गया। अगर मैं सोर्स एक्स की बात करूं तो देखो सोर्स एक्स की बात करूं तो मैं बोलूंगा वी एस कितना है सोर्स एक्स में, तो वी एस 2 वोल्ट, कंपेयर करोगे ना तो वी एस बाई आर एस कितना है, आप बोलोगे 4 है, तो आर एस कितना हुआ, आर एस हुआ 2/4, तो 0.5 ओम हुआ। ये तरीका आपके पास कंपेयर करने का। दूसरा तरीका आपके पास कि अगर मैं बोलूं कि देखो डीवाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप होता है, बट इस बार ना चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करेंट है, तो वो रेजिस्टेंस होगा। तो अगर वाई में अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो 3/3 है, आपके पास चेंज इन वाई 3 है और चेंज इन एक्स भी 3 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा 1 ओम। ये अगर एक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करने वाले तो चेंज इन एक्स 2 है, चेंज इन वाई 4 है, 2/4 0.5 होता है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको स्लोप आना चाहिए या तो फिर कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, अब सोर्स एक्स है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो पता है वीएस की वैल्यू कितना होगा, वीएस की वैल्यू 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 0.5 ओम। ये यहां तक आपके पास रेजिस्टेंस -2+, यहां पे वाई का कितना 3 वोल्ट और ये कितना आपके पास 1 ओम, ये दिस वन और ये 1 ओम, ये 1 ओम। और मेरे को आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू निकाल लो, पता है की वैल्यू कितना आ रहा है 2+3 5 वोल्ट, 5 वोल्ट अपन 0.5 112 2.5 2 एम्पियर आंसर आ गया, 2 एम्पियर आंसर, केवीएल लगा लिया हमें 2 और 3 5 5 अपन 2.5, क्वेश्चन चेंज हो गया। इसका मतलब है कि अगर आई की जगह वी लिखा रहता, वी की जगह आई लिखा रहता, तो आंसर जो होता 7/4 नहीं होता, 1.75 नहीं होता, आंसर हो जाता 2.5 एम्पियर, दिस वन 2 एम्पियर द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू देखो ध्यान से, चेक करो बोला पॉइंट्स, आई और वी इंटरचेंज होता तो आंसर 2 एम्पियर आ जाता, आंसर 2 एम्पियर आ जाता, चेक कर लो एक बार। तो मैं बोल रहा हूं कि किसी कैरेक्टरिस्टिक को देख के आपको समझ आना चाहिए कि आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा गुड आइडिया है, अगर आपको गुड आइडिया नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको फिर स्लोप कैलकुलेट करते आना चाहिए, स्लोप जो स्लोप होगा, अगर वाई एक्सिस में वोल्टेज एक्स एक्सिस में करंट तो स्लोप रेजिस्टेंस होगा, अगर वाई एक्सिस में करंट और एक्स एक्सिस में वोल्टेज है तो स्लोप 1/रेजिस्टेंस होगा, यस। फिर आपको अगर वोल्टेज सोर्स की बात अगर करना है तो उठा लो वैल्यू को, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 1/2 और 1/3 दोनों उठा लो, कितना दिख रहा है आपको, तो जस्ट ध्यान से आप नोट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज कर दिया, वी को आई लिखा, आई को वी लिखा, यस। अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन होता और कैरेक्टरिस्टिक में चेंज कर दे रहा हूं, कैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना, 2 क्वेश्चन होगा मेरा, 2 क्वेश्चन होगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बोला कैसे थर्ड क्वेश्चन पे, इसी जगह पे अगर मैं बोलूं कि देखो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होता, यही कैरेक्टरिस्टिक होता, मान लो ना यही कैरेक्टरिस्टिक होता, ये आई ये वी, यही कैरेक्टरिस्टिक होता, ये 3 वोल्ट वाले पे एक वर्टिकल लाइन होता और एक 4 वोल्ट वाले पे वर्टिकल लाइन होता,
3 वोल्ट वाला y कैरेक्टरिस्टिक होता और 4 वोल्ट वाला x कैरेक्टरिस्टिक होता, दिस वन। ये देखो वर्टिकल लाइन होता है। अब बताओ इसका स्लोप कितना, किसी वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, बताओ किसी वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, इनफाइनाइट होता है यार। और बताया करंट बाय वोल्टेज, आपके पास 1 बाय रेजिस्टेंस होता है, 1 बाय रेजिस्टेंस आपके पास इनफाइनाइट है, तो रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। बताओ आपके पास रेजिस्टेंस जीरो है, आरएस के लिए जीरो है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। बताओ आपके पास सोर्स एक्स का आइडियल वोल्टेज सोर्स 4 वोल्ट है और सोर्स वाई का आइडियल वोल्टेज सोर्स 3 वोल्ट है, यस, बिकॉज रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो। कोई बोलेगा हाउ रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है, वाई एक्सिस में करंट, एक्स एक्सिस में वोल्टेज है, करंट बाय वोल्टेज 1 बाय रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, सोर्स एक्स इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, सोर्स वाई इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक 3 वोल्ट और एक 4 वोल्ट है। पता है आपको जब तक स्लोप होगा मतलब रेजिस्टेंस होगा, जब तक स्लोप होगा दैट मींस द रेजिस्टेंस होगा, इतना आपको दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते, अगर ये वर्टिकल लाइन होता तो आप क्या करते, तो वर्टिकल लाइन में आप क्या किए, वर्टिकल लाइन में एक्स वाले को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते, वाई वाले को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करते, बस हो गया। और 1 ओम का एक रजिस्टर था, 1 ओम का एक रजिस्टर था, और आपको निकालना था करंट आई की वैल्यू। ये जो सोर्स एक्स था इसकी वैल्यू कितना है बताया, 4 वोल्ट, सोर्स वाई की वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट, तो आई की वैल्यू कितना आ गया, 7 बाई 1 इज द 7 एम्पियर की वैल्यू, 7 एम्पियर। क्वेश्चन चेंज कर दिया, किसी को लग सकता है कि सर आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल बात जब होती तो कैसे होता है, देखो ये होता, पता है फिगर किसका है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, बिकॉज वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है, इफ वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स 3 और 4 वोल्ट से रिप्लेस कर दिया हमें, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, चेक करो, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया अपन, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं, ओके। अब किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो वोल्टेज सोर्स था, सेम क्वेश्चन, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, वोल्टेज सोर्स से तो पोलैरिटी पता होना चाहिए, करेंट सोर्स से तो करेंट सोर्स से तुम्हें क्या करता है, सोर्स एक्स है, ये प्लस माइनस हटा दिया, एक ऐसा बना दिया दिस वन, अब सीरीज में तो रखूंगा नहीं मैं। अब देखो ध्यान से, एक सोर्स एक्स बनाया और एक सोर्स वाई बना दिया, देखो ध्यान से, और मैं बोल रहा हूं मेरे को ना 1 ओम का करंट चाहिए, दिस द ये फिगर, आपका क्वेश्चन चाहिए, फिगर यही है, एग्जाम का फिगर यही मान लो, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपने आप में, 3 चीज बता दिया, फोर्थ क्वेश्चन, 3 आंसर आ गया अलग अलग, पहला आंसर आया था 1.75 जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, फिर दूसरा चेंज किया तो 2 एम्पियर, थर्ड चेंज किया तो 7 एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 4 चालू हो गया मेरा। मान लो कि यही फिगर है, यही फिगर बना लो और बोलो कि ये दोनों करंट सोर्स है, द सोर्स एक्स, सोर्स वाई और आई की वैल्यू, चलो इस बार आपको देता हूं कि आपको आई की वैल्यू बताना है, ये 1 ओम में जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू आपको बताना है, सोर्स एक्स और सोर्स वाई दोनों ही अपवर्ड करंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स एक्स इज दिस, वही आई वही वी, वही आई वही वी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, अब देखते हैं आई की वैल्यू क्या आती है, अब देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या आता है, अब देखो आई की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप देखो ध्यान से, क्या लगता है आपको कि क्या आंसर आना चाहिए इस बार, 1 ओम के अक्रॉस में करंट कितना फ्लो होना चाहिए, करंट पूछ रहा हूं 1 ओम के अक्रॉस में, देखो ध्यान से फाइंड आउट करो आप, डिस्कस अमाउंट करते हैं अपन। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, देखना अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास वो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अगर वो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है तो फिर आपको कंपेयर करते आना चाहिए कि करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, तो आपको क्या आना चाहिए, कंपेयर करते हैं कि करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है, तो देखो आपके पास आई वर्सेस वी, पता आई वर्सेस वी में आई की वैल्यू आईएस होती है और वी की वैल्यू आईएस इंटू आरएस होता है, ये तो सोर्स एक्स का करंट कितना है, करंट सोर्स 2 एम्पियर, तो सोर्स एक्स का करंट कितना है 2 एम्पियर, ठीक है। आईएस इंटू आरएस कितना है, सोर्स एक्स का आईएस इंटू आरएस कितना है, आईएस इंटू आरएस कितना है 4, तो
आरएस की वैल्यू कितना हो गया 4/2, दैट मींस दैट 2 ओम। चेक करो तो 2 से 4 जा रहा था आईएस इनटू आरएस से। सोर्स वाई की बात करते, चलो सोर्स वाई की बात करते हैं, सोर्स वाई में आईएस की वैल्यू कितना है, आईएस की वैल्यू 3 एम्पीयर। आईएस इनटू आरएस कितना है, आईएस इनटू आरएस कितना है 3, पता आरएस की वैल्यू कितना आ गया 1 ओम। डायरेक्शन अपवर्ड था, बना लेता हूं मैं सोर्स एक्स के बारे में बात कर लेता हूं, करंट सोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड था, आईएस की वैल्यू 2 एम्पीयर था, अच्छी बात है, बट इसके साथ रेजिस्टेंस भी 2 ओम था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस 2 ओम था, सोर्स एक्स हो गया। सोर्स वाई में करंट की जो वैल्यू आपके पास वो है 3 एम्पीयर, ये 3 एम्पीयर, बट इसका रेजिस्टेंस भी 1 ओम था, ये 1 ओम, और एक लोड है आपके पास 1 ओम जिसमें आपको निकालना था 1 ओम, जिसमें आई की वैल्यू निकालना था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो उसमें 1 की वैल्यू निकालना, सब में एक वोल्टेज वी एज्यूम कर लो, सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हैं, वी एज्यूम कर लो माइनस 2 एम्पियर, ठीक है, वी बाई 2, ठीक है, माइनस 3 एम्पियर प्लस वी बाई 1 प्लस वी बाई 1 इक्वल टू 0, 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 हो गया, ये वी हो गया, माइनस 6 हो गया, ये 2V हो गया, और ये 2V हो गया, तो 2V और वी 5V हो गया, 5V इक्वल टू पता कितना आ गया आपके पास 10, तो V की वैल्यू आ गया 2 वोल्ट। पता है I की वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू V बाई 1, द V बाई 1, V की वैल्यू 2 वोल्ट, आंसर विल बी 2 एम्पियर, आंसर विल बी 2 एम्पियर, चेक करो 2 एम्पियर आंसर आ रहा है, जिन लोगों का भी आंसर 2 एम्पियर था करेक्ट आंसर है, जिन लोगों का 5 एम्पियर था गलत है, 5 एम्पियर तब आता आपके पास जब मैं आइडियल करंट सोर्स देता, आपके पास आइडियल करंट सोर्स देता तो 5 एम्पियर आ सकता था, अभी आंसर 2 एम्पियर आएगा, 5 एम्पियर बहुत सारे लोग लिखे, तो अगर क्वेश्चन नहीं होता, अगर अगर क्वेश्चन ये होता, सोर्स एक्स और सोर्स वाई करंट सोर्स होते और आपको यही फाइंड आउट करना होता तो 1.75 नहीं आता, आंसर 2 एम्पियर आता, जो कि अभी नया चीज है। देखो ध्यान से, तो चार क्वेश्चन करवा दिया, सोचना सिखा दिया, थॉट प्रोसेस की बात कर दिया मैं, ठीक है, आपको सोचने वाला पार्ट हो गया, आपके पास थॉट प्रोसेस वाला पार्ट हो गया। देख लो सबको क्लियर है कि 2 एम्पीयर आंसर आया, सभी को क्लियर है कैसे सोचते करके, तो ऐसे क्वेश्चन एकदम से बनते नहीं, कुछ भी नहीं है सब में, बट लोगों से कौन सा बनेगा, पहला वाला क्वेश्चन बनेगा, कौन सा, जो एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। देखो चार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी बात कर सकते हो, ओनली फ्रॉम वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में देखो मैं इतनी सारी बात कर लिया, सोर्सेज चेंज कर दिया, जितने लोग 5 एम्पीयर बोल रहे हैं उनका सही कब आता पता है, अगर मैं बोल दूं कि जितने लोग 5 एम्पीयर बोल रहे हैं उनका सही कब आता तो पता कब आता, सही बताऊं, देखो मैं बता रहा हूं कब सही आता पता है आपको, अगर कह रहे 5 एम्पीयर किसी को आंसर चाहिए, कोई बोला सर आप कुछ करो सर 5 एम्पीयर आंसर मेरे को चाहिए, और सर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही रहने देना, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई चले लो, आप चाहते हो कि कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही रहने दो, मतलब आई वही पे रहने दो और वी वही पे रहने दो, चलो वो भी चेंज नहीं कर रहा, आई वही पे वी वही पे, कुछ लोग चाहते सर 5 एम्पीयर ला, तो मैं बोलूंगा ठीक है यार ले लो, ये 3 एम्पीयर और ये 2 एम्पीयर, ये एक्स और ये वाई, हो तो गया 3 आ जाएगा 2 एम्पीयर, सोर्स एक्स और सोर्स वाई 3 एम्पीयर, 2 प्लस 3 5 एम्पीयर, आ गया 5 एम्पीयर, इसे कुछ ना 5 एम्पीयर, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन चेंज, अगर ये क्वेश्चन है इधर कैरेक्टरिस्टिक आई वर्सेस वी, इधर 3 एम्पीयर कांस्टेंट, 2 एम्पीयर कांस्टेंट, 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, दोनों अपवर्ड पॉजिटिव, 5 एम्पीयर, जो लोग 5 बोल रहे थे उनका 5 आ गया, क्वेश्चन चेंज, जो लोग 5 बोल रहे थे उनका 5 ला लिया हम, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है यार, करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है जब तक स्लोप एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ओके ओके। तो इतना आपके पास गुड होना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीजों में हम बहुत केयर नहीं करते, बहुत छोटी छोटी चीजों में हम केयर नहीं करते, देखो ना कैरेक्टर से चेंज कर दिया, किसी को लगता है कि ये वर्टिकल चाहिए तो वी को यहां लिखो आई को यहां लिखो और ये दोनों कैरेक्टर से कैसे वर्टिकल रख दो, 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर, तो भी कांस्टेंट करंट सोर्स होगा, अगर आप वी और आई को इंटरचेंज करोगे तो वर्टिकल लाइन होगा 2 और 3 एम्पीयर का, बट मैं करंट को उधर रखा हूं कांस्टेंट 2 और 3 एम्पीयर, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो चेक कर लो एक बार आप, ब्लॉक मारते जाओ, सबको 5 एम्पीयर समझ गए, ओवरऑल आप पूरे क्वेश्चन को देख लो,
और आपको कैरेक्टरिस्टिक से डर नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपको जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक देगा, चाहे करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, यस हम हैंडल कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे बोला। सबको क्लियर है कि नहीं? सबको मजा आया? पूरे पांच क्वेश्चन कराया मैं, एक ही क्वेश्चन में पांच चीजें बताया मैं, अलग अलग फाइव क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एक मैं चार चीजें और क्रिएट किया, कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। तो आपका थॉट प्रोसेस में ऐसे वर्क करना चाहिए, थॉट प्रोसेस ऐसे सोचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ कि कितने लोगों को सबको समझ आया करके, मजा आया कि नहीं? कितने लोगों को? बहुत बेसिक चीज थी, हो सकता है इतनी बेसिक चीज को नहीं बताता। सब लोग एक बार कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं कि वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, करंट कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर नहीं जाते इतना, आपके पास उसके बेसिक में इतने अंदर नहीं जाते, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। चलो अब ठीक है, ओके। चलो अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना। इन द सर्किट सोन, इन द सर्किट सोन द वोल्टेज वी एक्स, द वोल्टेज वी एक्स इन वोल्ट्स अंडरलाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आया होता, 5 एम्पियर एक करंट सोर्स था 5 एम्पियर का, ठीक है। ये एक 20 ओम का रेजिस्टेंस था, 20 ओम का उसका वोल्टेज वी एक्स था, ठीक है। फिर 10 ओम था, फिर 10 ओम था, फिर 8 ओम था, 10 ओम 8 ओम 0.25 वी एक्स था, ओके। ये 0.5 वी एक्स था, यहां पे भी बना हुआ था, यहां पे था एक आपके पास करंट सोर्स 0.5 वी एक्स, ये एक 5 एम्पीयर, एक Vx, एक 20 ओम, एक 10 ओम, 0.5 Vx, 0.25 Vx, एक 8 ओम और Vx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन था, गेट 2015 का क्वेश्चन था और आप अप्लाई करने वाले। ऐसे आपके पास लाखों फिगर हो सकते हैं, लाखों में से कोई भी फिगर आते रहेगा, कोई कॉपी करेंगे नहीं, कोई एग्जाम वाले कॉपी नहीं करेंगे। तो आप अपना अटेम्प्ट लेंगे अच्छे से, आप अपना अच्छे से अटेम्प्ट लेंगे, देखो ध्यान से, हाँ सॉल्व करो बोला, क्या सॉल्व किया सभी लोग? Vx की वैल्यू चाहिए, अब देखो आप, तो आप क्या करते हो, क्या लगता है आप कैसे एग्जैक्टली ऐसे फिगर बना था? एग्जैक्टली ऐसे फिगर बना था, यहाँ पे ऐसा डॉट टाइप का बना था, इट्स ओके, यहाँ पे डॉट टाइप का बना था ये, और यहाँ पे बना था ये। अब आप क्या करने वाले हो वो आपका चॉइस है, कि आप कैसे सोचते हो, कैसे आप सॉल्व करते हो, ये आपका चॉइस है बोला। वी एक्स की वैल्यू अच्छा मौका मिलता है, जब भी आपको मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन, लेकिन उससे ना आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि यार यस यस वी कैन डू। तो आपको ना ऐसे वाले क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो पूरा अप्लाई कर देना चाहिए, जान लगा देना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बढ़ गया तो आप ना फिर कुछ भी कर सकते हो। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है। मैं क्या ट्राई कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो वीएक्स की वैल्यू निकालना है, पता आपके पास एक कौन सा सोर्स है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक बात है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये क्या है? इज द वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, यार ये तो करंट सोर्स है ना, ठीक है। ये Vx है, ये एक वायर है, इसका वोल्टेज अगर Vx है, क्योंकि बीच में नीचे ग्राउंड है, तो ये Vx है, ये वोल्टेज भी तो Vx होगा, ठीक है, दोनों एक ही है। यहां पर कितना वोल्टेज है इस जगह पर, वोल्टेज कितना है? 0.25 Vx, 0.25 Vx। मैं बोल रहा हूं मेरे को Vx पे नोट लगाना है, ठीक है, Vx पे नोट लगा रहा हूं। ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर ए है, तो ये पॉइंट भी तो ए होगा यार, तो मैं किरचॉफ करंट लॉ ए पॉइंट पे लगा रहा हूँ, किरचॉफ करंट लॉ ए पॉइंट पे लगा रहा हूँ। एक 5 एम्पीयर इनकमिंग है, माइनस 5 लिखता हूँ, फिर आपके पास वी एक्स बाई 20 लिख रहा हूँ, सेकंड ब्रांच करंट वी एक्स बाई 20, फिर
एक आउटगोइंग करंट है 0.5 Vx, द 0.5 Vx, ये थर्ड है। फोर्थ क्या बताया, Vx माइनस 0.25 Vx डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से, 20 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 100 हो गया, 20 का मल्टीप्लाई करो तो Vx हो गया, 20 का मल्टीप्लाई करो तो 10 Vx हो गया, और 20 का मल्टीप्लाई करो तो 2, तो 2 Vx माइनस 0.5 Vx, ये बड़ा कितना हो गया Vx और 2 Vx 3 Vx, 3 Vx मतलब 2.5 Vx हो गया, ये नहीं 2.5 नहीं 10, 10 क्या मतलब 12.5 Vx इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। तो Vx की वैल्यू कितना आ गया बताओ आपके पास, 100 अपॉन 12.5, इसका मतलब 1000 डिवाइड बाई 125, इसका मतलब है 200 225, फिर 40 और ये 5 40 बाई 5, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट जो बोल रहे थे उनका सही, एग्जाम में जो लोग 8 वोल्ट लगाए होंगे उनका सही आ गया, 2015 जो लोग 8 वोल्ट लगाए थे, अगर आप 7.54 बोल रहे तो भी गलत है, 8.2 बोल रहे तो भी गलत है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना 8 to 8 होता है, ऐसे क्वेश्चन में ना ज्यादा रेंज नहीं देते, ऐसे क्वेश्चन जिसका परफेक्ट इंटीजर नंबर आता है उसका आंसर 8 to 8 होता है। इसका मतलब है कि 8.1 इज रॉन्ग, 7.9 इज रॉन्ग, 8 to 8 इज 8 to 8, थोड़ा बहुत डेटा वेटा काम नहीं करेगा फिर आपका, 8 to 8 इज करेक्ट। अब सोचो कोई बोल रहा होगा कि सर आप इधर नोट पे लगाए, अगर मैं इधर नोट पे लगाता तो क्या होता, तो जो लोग एग्जाम में इस बी नोट पे लगाए थे, इस बी नोट पे लगाए थे, इस वाले इधर वाले नोट पे लगाए थे KCL एट बी, जो लोग भी किरचॉफ करंट लॉ बी पे लगाए थे 0.25 Vx बाय 8, ठीक है 0.25 Vx माइनस Vx डिवाइड बाय 10, और एक करंट इनकमिंग आ रहा माइनस 0.5 Vx, इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो पता Vx के लिए 0 वोल्ट आ गई, जो लोग बी पे नोट लगाए थे उनका Vx 0 वोल्ट आ गया। देखो ध्यान से, KCL किरचॉफ करंट लॉ जो बी पे लगाते हैं उनका 0 वोल्ट आ गया, जो बी पे लगाते हैं उनका 0 वोल्ट आ गया बोल रहा हूं। देखो अब क्वेश्चन ये था कि जो बी पे लगाते 0 वोल्ट लगा दिए, जो ए पे लगाए थे सही तरीके से लगाते हैं उनका 8 वोल्ट आ गया। अब क्वेश्चन ये हुआ कि बी पे लगाने वाले जो लोग बी पे नोट लगा रहे थे उनका गलत क्यों हुआ, क्वेश्चन ये बी पे लगाने वाले लोग क्यों आपके पास गलत हो गए, 0 वोल्ट लगाए थे एग्जाम में, अलग बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर 8 वोल्ट था, 8 to 8, तो इन लोगों का सही था, इन लोगों का गलत हो गया। क्वेश्चन ये है कि गलत क्यों हुआ, क्वेश्चन ये है कि गलत क्यों हुआ, क्योंकि गलत क्यों हुआ, इसलिए गलत हुआ कि वो लोग पहला टर्म लिखे ये वाला, दूसरा टर्म लिखे ये वाला, और तीसरा लिखे टर्म ये वाला, जबकि इसमें ना 3 नहीं 4 टर्म्स है, 1 2 3, और इस करंट, इस वोल्टेज सोर्स के करंट को ना 0 एम्पीयर ले लिए वो लोग, अब ये रॉन्ग है ना, इसी वोल्टेज सोर्स के करंट को 0 थोड़ी ले सकते, इसका मतलब यहाँ पे करंट एज्यूम करना पड़ता, और फिर एक अननोन करंट भी होता, तो अननोन वोल्टेज अननोन करंट दो चीज अननोन हो जाती, इसका मतलब अननोन करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ता आपके पास। तो बहुत सारे लोग कई बार एक वोल्टेज सोर्स का करंट 0 एज्यूम कर लेते, उनका प्रॉब्लम है, ऊपर से आपके पास जो रेजिस्टेंस था आपके पास वो रिडंडेंट था, इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगा था। तो लोगों से पूछे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं क्या, तो कल पढ़ाऊंगा मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कल पढ़ाऊंगा, लेकिन गजब बात कर दिए कुछ लोग कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे क्या, इसमें ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस पैरेलल में, रेजिस्टेंस सीरीज में होता तब लगता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी कुछ बात नहीं करना अपने को। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं इसमें नोट लगा रहा था तो मेरा आंसर 0 आ रहा था, क्योंकि मैं गलत कर रहा था, क्यों गलत कर रहा था, क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स का करंट एज्यूम करना पड़ेगा मेरे को, तब सही हो जाएगा आपके पास, तो करंट एज्यूम करना पड़ेगा मेरे को, तब समझ आ रहा, करंट एज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए ना कई बार ना नोट लगाते समय बड़ा अच्छे से केयर करना चाहिए कि किसी वोल्टेज सोर्स के करंट को आप 0 एज्यूम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई वोल्टेज सोर्स होता है आपके पास और उनको जैसे 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, उनको कोई करंट नहीं मिलता तो 0 ले लेते, ये रॉन्ग ना, ये वैसे ही रॉन्ग है जैसे जब किसी करंट सोर्स का कोई वोल्टेज उनको समझ नहीं आता तो 0 वोल्ट मान लेते, ये 10 एम्पीयर है सपोज करो, 0 वोल्ट मान लेते, ये रॉन्ग। ऐसे कैसे किसी करंट सोर्स का वोल्टेज 0 मान लोगे, किसी वोल्टेज सोर्स का करंट 0 मान लोगे, ये सब गलत कंसेप्ट है, और यही सब कंसेप्ट के कारण लोग नेटवर्क में परेशान रहते हैं और समझ भी नहीं पाते कि नेटवर्क उनका वीक क्यों। तो ध्यान से
सबको क्लियर हुआ कि सेकंड वाला गलत क्यों आया? सेकंड वाला गलत इसलिए क्योंकि गलत इक्वेशन है, सेकंड वाला गलत इसलिए क्योंकि गलत इक्वेशन है यार। चार ब्रांचेस से मैं लिया तीन, चार ब्रांचेस से बट मैं लिया तीन, और अगर फोर में से अगर मैं थ्री ब्रांचेस लिया तो कैसे नहीं होता ऐसा? ऐसा होना था, हो गया। किसी को प्रॉब्लम? मैंने आपको आज बताया आपके पास डिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस लगे रहते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडेंट सोर्सेस लगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड है सब। सबको अपनी प्रॉब्लम समझ आई? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नोट नहीं लगा सकते, करेंट एज्यूम करो कि दो अननोन हो जाएंगे तो फिर फाइनली आपको उधर जाना ही पड़ेगा, मतलब मजबूरी उधर जाना क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं कभी। क्यों? देयर आर टू अननोन्स यार। अगर मैं बी पॉइंट पे नोट लगा रहा हूँ, एक करेंट, इसका करेंट लेना पड़ेगा, फिर जब वहां नोट लगाओगे तो वीएक्स निकलेगा, उस वीएक्स को यहाँ पुट करोगे तो वोल्टेज से उसकी वैल्यू निकलेगी, फिर आप करेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और इवन आप बता सकते हो कि 0.25 वीएक्स जो है ना वो कितना करेंट, मतलब कितना पावर डिलीवरी अब्सॉर्ब कर रहा हो, बता सकते हो आप? देखा ध्यान से आपके पास, सबको एकदम क्लियर? गुड, एकदम अच्छे से क्लियर, गुड फॉर्म में क्लियर, गुड लेवल में क्लियर, आई हैव नो डाउट। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बेसिक बेसिक बताते जा रहा हूं, बेसिक बेसिक में आपको सॉल्व करवाया। अभी मैं आपको होमवर्क वगैरह नहीं दे रहा हूं क्योंकि लीड नहीं, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए, मेरे सेशन को आप अटेंड करते रहिए, मेरे सेशन में मैं जो जो बात कर रहा हूं उन बातों को ध्यान से देखते रहिए, हर दिन आपको फायदा होगा, हर दिन आपका एडवांटेज होगा, मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहना आपको। चलो तो आज का सेशन फाइनली एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।